हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जिसका नाम है रिप्लेस। क्या नाम है? रिप्लेस नाम है, ये ध्यान दीजिएगा। इस फंक्शन का नाम है रिप्लेस। तो अभी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्सेस का 2007 ही ओपन करता हूँ और इसी पर काम करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमेशा यही डिमांड रहती है कि सर मेरे पास तो पुराना वाला वर्जन है, आप तो 2021 या 22 यूज कर ले रहे हैं लेकिन मेरे पास तो पुराना वाला है। तो चलिए पुराने वाले पे ही काम करते हैं। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर एक नया सिनेरियो ब्लैंक डेटाबेस का नजर आएगा। डेटाबेस 310 यहाँ पे दिख रहा है, बाकी ये ACCDB एक्सटेंशन है। तो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से स्टेबल को क्लोज कर देना है आपको। क्लोज करने के बाद क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाना है और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद ये टेबल ओपन होती हुई नजर आती है। आपको करना क्या, इस टेबल को क्लोज कर देना और फिर SQL पे चले चलना है। बस यहीं पर सारा काम है। अब देखिए और समझिए कि आपको करना क्या है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हमने लिख दिया सेलेक्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिप्लेस फंक्शन, तो ये रिप्लेस फंक्शन भी लिख दिया है। ब्रैकेट को ओपन करूंगा और यहाँ लिखता हूँ हेलो वी आर लर्निंग LEARNING डेटाबेस बेस। तो यहाँ लिख देता हूँ डेटाबेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर MS Access, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया और डब्ल्यूटेड कॉमा को क्लोज कर दिया। अब इसको एक नाम दे देते हैं एज माई स्ट्रिंग। इसे मैंने नाम दे दिया है माई स्ट्रिंग और अब बारी है टर्मिनेट करने की। तो ये टर्मिनेट भी कर दिया हमने, आप देख सकते हैं यहां पर ये लिख दिया है, इसको नाम भी दे दिया है। लेकिन अब हमें रिप्लेस किसको करना है वो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो जहां तक बात है रिप्लेस करने की, तो हम यहां पर ई को रिप्लेस कर रहे हैं और ई के जगह क्या कर रहे हैं, जेड कर देते हैं। तो कॉमा लगा के यहां पे जेड कर देता हूं। ई के जगह क्या कर दिया है, जेड कर दिया है कॉमा लगा करके। देख सकते हैं ये यहां पर ई को रिप्लेस कर रहा है और ई के जगह क्या आएगा, जेड आएगा। ध्यान से देख लीजिए इसको, देख लिया। तो अब क्या करना है, यहां से इसको रन कराना है। तो रन कराते ही आप देख सकते हैं यहां पे जहां जहां ई आया हुआ है उसकी स्थिति आप देखिए जरा कि क्या बन रही है। जैसे हेलो में ई आया हुआ था तो HELLO होता है, तो उसके जगह जेड आ गया है, ठीक है। VWE यानी यहां पे भी ई आया हुआ था तो ई के जगह जेड। ARER होता है तो यहां पे जेड। लर्निंग में LE होता है तो यहां पर भी जेड आ गया है, देख सकते हैं। यहां पर देखिए डेटाबेस है तो बेस में SE होता है लास्ट में, तो ई के जगह हटा करके जेड आ गया। सॉफ्टवेयर में ई होता है तो E को हटा करके Z आ गया है और यहाँ एक्सेस में भी E होता है तो E को हटा करके ये Z दे दे रहा है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर SQL व्यू में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यही सेम काम आप MySQL में भी कर सकते हैं या SQL सर्वर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।